ये है साल 2007 की तस्वीरें, पहला T20 वर्ल्ड कप जो भारत ने अपने नाम किया। 2007 के बाद से भारत एक बार फिर इस खिताब को अपने नाम करने के इंतजार में है। इंतजार इस चैंपियन टीम के एक सदस्य को भी है, अपनी वापसी का। एक बार फिर से वर्ल्ड कप के लिए मैदान में भारत की जर्सी पहनकर उतरना। नाम है दिनेश कार्तिक उर्फ DK। IPL में दमदार खेल की बदौलत एक बार फिर से उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई थी और अब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी उन्हें चुन लिया गया है। टीम में नाम आते ही DK ने भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ड्रीम्स डू कम ट्रू, यानी सपने सच होते हैं। इस ट्वीट पर तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिनेश कार्तिक ट्रेंड होने लगा। उनके टीम के साथ ही हार्दिक पांड्या ने उनके ट्वीट पर लिखा, चैंपियन दिनेश कार्तिक 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद अब जाकर 2022 में भारतीय टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। बता दें, दिनेश कार्तिक ने IPL 2022 में 183.33 की स्ट्राइक रेट से 16 मैचों में 330 रन जड़ने के बाद टीम इंडिया में वापसी की थी। DK लगभग 3 साल बाद टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल रहे हैं। तब से ही कार्तिक टीम इंडिया में फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें, हाल ही में DK ने टीम इंडिया में वापसी के बाद T20 इंटरनेशनल में अपनी पहली 50 बनाई और 360 डिग्री बैटिंग करके दिखा सकते हैं DK, और उनका अनुभव जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के काफी काम आ सकता है। दिनेश कार्तिक हालिया एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन उन्हें ज्यादा खेलने का या यूं कहें ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल भी चोट से उभरने के बाद टीम में लौटे हैं। दिनेश कार्तिक कई बार अपने बयान में कह चुके हैं कि उनका सपना भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना है, जो कि अब सच होने जा रहा है। वैसे 2022 के वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को मौका देने की कोशिश कैसे होगी, ये देखने वाली बात है। जहां तक बात है प्लेइंग 11 में जगह मिलने की, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हार्दिक पांड्या को 5वें गेंदबाज के रूप में खेलना होगा। बता दें, भारत के लिए 15 मेंबर की टीम इस प्रकार से है: रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह। स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर। न्यूज़ तक ब्यूरो।